दोस्तों आप लोगों को मैं एक बुजुर्ग आदमी से मिलाने जा रहा हूँ, मतलब दिखाने जा रहा हूँ। तो संगवारी हो, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हमारे के एक नया ब्लॉग में अपन के स्वागत है। तो संगवारी हो, आज हम जावत हन किशनपुर, जहाँ एक चमत्कारी शिवलिंग प्रकट हुए हैं। वहाँ मैं दर्शन कर जाता ना, आप मन ला वहाँ का वीडियो बना के आप मन ला दिखाना है, ताकि आप भी दर्शन कर सको। कब वहाँ भक्त मन के ना बहुत ही भीड़ लगा थे, कहा थे तो हम मन जाथन वहाँ के दर्शन करे बार। तो आप मन भी आओ और दर्शन करो। किशनपुर पिथौरा के आगे हैं, शायद अभी हम जाथन इस तरह जाना है हमला। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ गए हैं किशनपुर। आप लोग देख सकते हैं पीछे बहुत ही मेला लगा हुआ है। यहाँ बोल रहे हैं कि जो मेला है ना वो चेंज होगा, मतलब जगह चेंज होगा, तो उस पार जाएंगे, ताकि उधर है शिवलिंग तो उधर ही जाएंगे। यहाँ मेन रोड हो जा रहा है इसी कारण। तो हम चलो पूछते हैं किसी से कि कब तक, कितने दिन हुआ है ये शिवलिंग को प्रकट हुए, वहाँ से भाई से पूछेंगे। चलो उसके बाद चलते हैं आगे। और भैया ये शिवलिंग निकले कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए। तीजापुरा के समय हुआ है बोला थे शिवलिंग प्रगट हुए। तो भैया बताइए हमारा कतका दूर है भैया यहाँ से? आधा किलोमीटर पड़ेगी। हाँ तो आधा किलोमीटर और पड़ी, कहाँ थे इस साइड जाना है और रास्ता आप देख सकते हो। तो चलो चलते हैं, नारियल लेने दे। मतलब आधा किलोमीटर आने के बाद यहाँ को गाड़ी पार्क करना है, वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। आप लोग बहुत लोग वहाँ पर जा रहे हैं, चलो हम भी लोग चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग गाड़ी वहाँ पर रख कर यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब जा रहे हैं। पूरा खेत ही खेत है, आप लोग देख सकते हैं इधर भी खेत है और पेड़ के नीचे ही प्रकट हुआ है शिवलिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आज शुक्रवार है तो आज बहुत ही पूरा कम भीड़ है। आज भीड़ ही नहीं ज़्यादा, सोचो तो देखो तो हम आपको दिखाएँगे बस वहाँ पर है। चलते हैं, बहुत ही कम भीड़ है क्योंकि वहाँ को जेज भी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। इधर से ना, इधर से ना, पानी है थोड़ा सा। चलो फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। मट्टी रखो जी, एक बार और देखना है। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ का मिट्टी को हाथ पैर में लगाने से जो भी दर्द रहता है वो सब दूर हो जाता है। यही है भोलेनाथ की महिमा। तो बहुत कम भीड़ है, इतना सारा नारियल देख के तो लगता है कि यहाँ भक्तों का बहुत ही भीड़ होता है। हाँ तो आप लोगों ने देखा,
हाँ यही बुजुर्ग आदमी ने सबसे पहले वहाँ पर साफ सफाई किया, मतलब उसी ने देखा, सबसे पहले उसी ने पूजा किया, उसका दुख दूर हो गया। उसके बाद एक एक करके पूरा भक्तों का भी लगना शुरू हो गया। दोस्तों यहाँ पर मंदिर बनने का भी तैयारी हो चुका है, वहाँ पर माटी माटी पटक रहे हैं, वही शिवलिंग के पास ही बगल में खेत है, वहीं पर माटी माटी पटक रहे हैं। उसके बाद वहाँ मंदिर बनना भी स्टार्ट हो जाएगा, वैसे बोल रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर कई लोगों का दुख दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ की कृपा ऐसी बरस रही है लोगों पर कि पूछो ही मत। तो आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए किशनपुर गाँव में।